डीजीपी हरियाणा ने अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने पुलिस लाइन में पुलिस शहीदी दिवस के अवसर पर पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर भारतीय पुलिस बल के 188 अमर शहीदों के बलिदानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंचकुला की पुलिस लाइन में आयोजित किया गया था कार्यक्रम। आज का दिन पुलिस के वीर सपूतों के अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता को समर्पित। देश के पुलिस सेवा के सभी बलिदानियों को याद करते हुए डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि हरियाणा राज्य के गठन से लेकर अब तक 83 पुलिस कर्मियों ने राज्य और इसके नागरिकों की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। आज़ादी के बाद देश के जवानों ने कई युद्ध लड़े। इन युद्धों में कई सुरक्षा बलों तथा फौज के जवान शहीद हुए, लेकिन देश में शहीद हुए पुलिस कर्मियों की संख्या इन जवानों से कहीं अधिक है। 21 अक्टूबर 1959 से लेकर अब तक देश के 36,214 पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी है। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि 90 के दशक में शहीद पुलिसकर्मियों की संख्या 1,000 से अधिक थी। इसी प्रकार वर्ष 2015 में यह संख्या 701 थी, जो अब वर्ष 2023 में घटकर 188 तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है। असली वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। व्यवस्था को कायम रखने और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा देश के नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज का दिन हरियाणा पुलिस और भारतीय पुलिस के उन वीर सपूतों के अदम्य साहस और कर्तव्य प्रायणता को समर्पित है, जिसके चलते देश की सीमाओं से लेकर हमारे गांव वे शहरों के गली मोहल्लों तक हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 1959 में 21 अक्टूबर के दिन भारत की तिब्बत सीमा पर उत्तरी लद्दाख के क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवान सीमा पर गश्त करते हुए चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले का शिकार हुए थे। और तभी से 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाने की परंपरा आरंभ की गई। हर वर्ष शहीद होने वाले इन वीर सपूतों की कर्म भूमि कश्मीर से लेकर नागालैंड और मणिपुर के घने जंगलों तक, वे चंबल के भेड़ों से लेकर कच्छ के रण तक रही है। और इन्होंने हर समय आतंकवादियों, उग्रवादियों, अपराधियों और असामाजिक तत्वों से निपटते हुए भारत माता की सेवा की है। आज के दौर में भारतवर्ष चहुमुखी तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी तरक्की से ईर्ष्या रखने वाले असामाजिक तत्व उग्रवाद और अलगाववाद का नारा देकर हमारे देश की शांति और अमन को भंग कर देने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। संकट की घड़ी में हमारे देश और प्रदेश का प्रत्येक नागरिक वर्दी पहने हुए सिपाही और सीमा पर तैनात हर फौजी पर पूरा भरोसा करता है। अपने फर्ज की अदायगी करते समय हमें इस भरोसे को हमेशा याद रखना है। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस बल के जवानों का जीवन अपेक्षाकृत अधिक जोखिमपूर्ण होता है। हमें इन चुनौतियों का सामना निरंतर करना पड़ता है। आज़ादी के बाद देश ने कई युद्ध लड़े और इन युद्धों में फौज के अनेक जवान शहीद हुए और आंतरिक सुरक्षा के फ्रंट पर देश में शहीद हुए पुलिस जवानों की संख्या इससे भी अधिक है।
वर्ष 1959 से लेकर अब तक देश में 36,214 पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी है। और यह आंकड़ा अगर हम इसकी सूची को देखें तो 90 के दशक में जहां प्रतिवर्ष 500 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान शहीद हुए, वर्ष 2015 में यह संख्या 701 थी और यह घटकर वर्ष 2023 में 188 रह गई है। यह आंकड़ा अपने आप में दर्शाता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा बेहतर हो रही है और हमारे पुलिस बल अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं। वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य का सृजन हुआ और तब से लेकर आज तक हरियाणा पुलिस के 83 पुलिस कर्मी राज्य और उसके नागरिकों की सुरक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर चुके हैं। मैं आज हरियाणा के इन सभी वीर सपूतों को समस्त राज्य के पुलिस बल की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज का यह शहीदी दिवस पूर्ण रूप से अब तक शहीद होने वाले हमारे बहादुर जवानों के नाम समर्पित है। मैं नमन करता हूं उन बहादुर माताओं को जिन्होंने ऐसे वीर बच्चों को जन्म दिया जो आगे जाकर समस्त देश के लिए गौरवमय व प्रेरणादायक उदाहरण बन सके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार द्वारा कर्तव्य के पथ पर शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों व उनके आश्रितों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और ऐसे सभी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के शहीद होने पर आश्रित परिवार को नौकरी के अतिरिक्त पूरी पेंशन और 1,30,00,000 रुपए की सहायता राशि अलग से उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार से अनुबंधित आधार पर कार्यरत पुलिस कर्मचारियों की के शहीद होने की सूरत में 50,00,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। साथियों, आइए हम सब मिलकर समस्त भारतीय पुलिस के उन 36,214 अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए देश में कानून एवं न्याय व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए परस्पर सहयोग करने का संकल्प लें। साथ ही देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा के लिए बलिदान देने और हरियाणा के विकास में अपना पूरा पूरा योगदान देने का संकल्प दोहराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पुलिस के अमर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।